अच्छा, जाने से पहले थैंक यू, आपने हमें इतनी ज़बरदस्त इनसाइट दी। और एक और बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, मैं उनको खुद भी ज़ाती तौर पे बहुत पसंद करता हूँ, आप सब लोग भी बहुत पसंद करते हैं, विराट कोहली जी। ये उनके सितारों में क्या चल रहा है आज? मैं ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा पूछूं आपसे। विराट कोहली के सितारे उरूज पर हैं और मजीद उरूज पे भी जाने के इम्कानात हैं। उनका ओके गुड सीन है, उनका गुड सीन इसलिए चल रहा है क्योंकि उनका जुपिटर रिटर्न होने वाला है जिसमें ऑफ कोर्स उनको और ब्लेसिंग्स मिलेंगी, मे बी उनके और बच्चे भी हो जाएं। और ये तो आप देखें पेज 3 न्यूज पढ़ के आप सुना रही हैं हमें आप। ये तो मुझे पता चला कि आप देखती रहती हैं इधर उधर, बट उनके पास पैसा और गेम पे रहेंगे, गेम पे बिल्कुल। खवातीन क्या, सॉरी वापस जाएं खवातीन क्या कह रही है? उनके पास खवातीन के थ्रू बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने के, खवातीन के थ्रू अपॉर्चुनिटी जी जी। ये किस तरह की अपॉर्चुनिटी होती है? ये होती है अपॉर्चुनिटी, आपको जब आएंगी तो मैं आपको बताऊंगी। हां, ये कैसे अवेल की जा सकती है अपॉर्चुनिटी? उसके लिए हम एक प्राइवेट सेशन करेंगे। ये बाजी कुछ ऐसी बात की तरफ, सीक्रेटिव लाइफ की तरफ जा रही है, बट विराट का अच्छा है, आप कह रही हैं सितारों के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में जो हम देखते भी आ रहे हैं। I think Virat is going to leave on a very high note, जो कि उनके charts बताते हैं, तो बहुत अच्छा। कोई World Cup से related और कोई players या किसी के बारे में कोई insight आप share करना चाहती हैं? No, I think this is enough for plus predictions. Usually लोग कर रहे हैं, बिल्कुल हम नहीं कर रहे होते। मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान का अपना जो chart है वो थोड़ा सा disturb चल रहा है फिलहाल। I hope पाकिस्तान as in हमारा as a country, तो हमें इस तरीके के छोटे मोटे shocks जो हैं वो लगते ही रहेंगे और थोड़ा सा अभी turbulent time। ठीक है, थैंक यू सो मच सुमैरा, ऑलवेज फॉर योर इनसाइट। खातिनों रात, एक छोटी सी बात मैं इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ बढ़े कहना चाहूँगा, इट्स ऑल फन एंड गेम्स। हमने जो भी गुफ्तगू की, एक साइंस है, एक इल्म है जो सुमैरा जिसमें काफ़ी 11-12 साल से उसको स्टडी कर रही है, उसके मुताबिक हमने बात की। हमने कोई प्रडिक्शन नहीं दी, सिर्फ सितारों के और डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से पर्सनैलिटी के चंद जो एस्पेक्ट्स हैं उनको, उनके हवाले से कुछ डिस्कशन की है। तो इट्स ऑल इंटेंडेड फॉर फन एंड इसमें से अगर कोई लर्निंग हो सकती है तो क्यों नहीं, अगर कोई बेहतरी आ सकती है कोई बात सुन के, कोई मशवरा सुन के, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल हमारी ख्वाहिश है और हमारी उम्मीद है कि हमारी इन बातों से किसी की दिल आज़ारी नहीं हुई होगी। हम आप सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम बिलखसूस अपनी टीम से, अपने स्टार से सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इवन जो PCB की मैनेजमेंट है हमारी, वी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। तो वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, शुक्र है सारी बातें बोल दी हैं, कवर अप करना। आई लव बाबर आजम, हैं आई लव बाबर, वी लव बाबर आजम, हु डजंट लव बाबर आजम, बाबर आजम के लिए तालियां भाई जोर से। ऑफ कोर्स वी लव बाबर आजम एंड वी सपोर्ट आवर क्रिकेट टीम, चाहे वो जीतें चाहे वो हारें, वो हमारे लड़के हैं, वो वहाँ पे बहुत चैलेंजिंग टाइम्स में परफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, वहाँ पे जाके हमारे मुल्क की खातिर हमारे झंडे को अपने सीनों पर तान कर हमारे लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि वी होल हार्टेडली सपोर्ट द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। खातिन हज़रात, आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। खवातीनों हज़रात, अच्छा भाई अभी हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट है, सीधी बात नो बकवास, कुछ पहेलियाँ रिडल्स हैं जो हमारी स्क्रीन पे चलेंगी और आपने उनका 5 सेकंड के अंदर अंदर जवाब बूझना है। ठीक है, तैयार हैं आप तीनों? लो भाई कलीम, आपसे शुरू करते हैं। पहली पहेली, वो क्या है जो नाक के आगे और कान के पीछे होता है? 5, 4, 3, 2, 1 नून। ओह गॉड, चले जी शहीरा आपकी बारी। वो क्या है जिसकी आंखें नहीं फिर भी रोता है, पर नहीं लेकिन फिर भी उड़ता है? 5, 4, 3, 2, 1 No idea. कोशिश तो करें। No idea, really no idea. What? यार क्या यार? बादल उड़ता है ना यार? अच्छा नहीं उड़ता। ये बढ़िया था। ए, सोचे सोचे आप लोग। चलें भाई तीसरा। अरमान आपकी बारियां। वो कौन सी चीज है जिसे ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ कानों से पकड़ सकते हैं? अरे 5, 4, 3 हवा। कानों से पकड़ सकते हैं? नहीं, कान ना छू सकते ना देख सकते, कानों से पकड़ सकते।
क्या हो गया यार आप लोगों को? आवाज आवाज। चलें भैया अगला, ये इजी था। कलीम आपकी बारी। हाँ, वो कौन सा जानवर है जो अंडे और दूध दोनों देता है? जानवर जानवर नहीं है, जानदार है। वो कौन सा जानदार है जो अंडे और दूध दोनों देता है? फाइव फोर जानदार जानवर नहीं। हाँ बेकरी वाले अंकल, बेकरी वाले है? बेकरी वाले दुकानदार। वो शहीरा ने बताया, शहीरा ने बताया, चीटिंग है। अच्छा चलो, शहीरा इज प्लेइंग स्मार्ट ना, अब शहीरा की बारी। अरे भाई, वो कौन सी चीज है जो उल्टी करे तो हाथी और सीधी करे तो ऊंट जैसा? उल्टी करे तो हाथी, सीधी करे तो ऊंट जैसा। फाइव। उल्टी करे तो हाथी, सीधी करे तो ऊंट। कम ऑन यार। अरे यार लोट। अबे है ना, लोटा नहीं देखा आपने कभी? अच्छा सही यार। चलो भाई आगे। यार वो कौन सी चीज है जो कान से निकाली जाती है और इसे हम खा लेते हैं? कान। नमक। हाँ। ये नहीं करेंगे आप लोग। कान से निकाली जाती है क्या? नमक। भाई ऑडियंस बीच में इंटरप्ट नहीं करेगी, ठीक है? चलो भाई अगला। चलो, वो कौन सी चीज है जो हर वक्त आपके साथ होती है लेकिन फिर भी आप इसे कहीं ना कहीं छोड़ कर आ जाते हैं? हाँ जी कलीम। बाइक, गाड़ी है। छोड़ के आ जाते हो अपनी बाइक और गाड़ी? छोड़ के आ जाते हो। और अल्फाज, उंगलियों के निशान। उंगलियों के निशान। अरे यार कलीम। चलो भाई अगला। आपका वो कौन सा दुश्मन है जिसके आने पर आप तालियां बजाते हैं? आपका वो कौन सा दुश्मन है? अरे यार। अबे यार ठीक है अगला। क्या है जिसका हेड भी? वो क्या है जिसका हेड भी है, टेल भी है लेकिन बॉडी नहीं है? बहुत सिंपल है। सिक्का। हाँ जी, अरमान के लिए भाई। वेरी इंटेलिजेंट। भाई शेहरा, यू हैव नॉट गेस्ड इवन वन। मैंने ये सिक्का बोला था और ये दुकानदार वाले अंकल, मैंने ही तो बताया था।